ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होगा, उसका फायदा उठाना। डोजर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। इनकाउंटर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। हम मानते हैं कि किसी वर्ग, जाति, धर्म, पार्टी का व्यक्ति हो, यदि वो अपराध करता है तो वो उसका व्यक्तिगत कैरेक्टर है। अयोध्या में बड़ा कांड हो गया। एक नाबालिग के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य वारदात हुई। वारदात को अंजाम देने वालों में जो मुख्य आरोपी है, उसका नाम मोईद खान है, और मोईद खान समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। हालांकि सपा के तमाम बड़े नेता मोईद के सपा में होने के सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इस मामले पर DNA टेस्ट की बात तक कह डाली है। लेकिन उस मुद्दे को लेकर जब गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी से बात की गई तो उन्होंने जो कुछ कहा वो हैरान कर देने वाला है। अफजाल ने कहा कि इस मुद्दे को इसलिए इतना उछाला जा रहा है ताकि आगामी उपचुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही, देश की जनता ये महसूस कर रही है कि चुनाव के बाद से, लोकसभा के चुनाव के बाद से बहुत तेजी से जघन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। अब सवाल ये है कि अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना, और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन यहां तो नंबर बढ़ाना है, कानून की कार्रवाई के लिए अभी आगे उसको कोर्ट के जरिए क्या होगा ये अपनी जगह है। बुलडोजर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। इनकाउंटर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। हम लोग कानून व्यवस्था और देश के संविधान और उसके रास्ते से जो नियम और कानून है उसका पालन करने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि किसी वर्ग, जाति, धर्म, पार्टी का व्यक्ति हो, यदि वो अपराध करता है तो वो उसका व्यक्तिगत कैरेक्टर है, और उसके लिए उसे जो कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी पार्टी को, किसी नेता को उससे जोड़ के राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना, ये इसमें उनकी दूषित मानसिकता का परिचय देता है। तो अफजाल अंसारी ने इस मुद्दे पर बिना नाम लिए BJP को घेरा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अपराधी को सजा मिले लेकिन पार्टी का नाम अपराधी के साथ ना जोड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।